हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज मी यशवंत कुमार एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। गाइज, होम वर्कआउट सीरीज में मैंने बात किया था, मैंने बताया था बाइसेप वर्कआउट मैंने बता दिया हूँ और मैं चेस्ट वर्कआउट बता दिया हूँ, ट्राइसेप वर्कआउट बता दिया हूँ। और आज का ये वीडियो में मैं बात करूँगा शोल्डर वर्कआउट की। अगर आप घर पे रह करके अपने शोल्डर को ट्रेन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वेट की ज़रूरत नहीं है आपके पास, बस थोड़ा बहुत ये होना चाहिए, ईट होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे ईट का प्रयोग करूँगा और ईट से आपको मैं दिखाऊँगा करके शोल्डर वर्कआउट, कम्प्लीट शोल्डर वर्कआउट करेंगे एंड आपका शोल्डर बिल्कुल पंप हो जाएगा एंड शोल्डर काफ़ी अच्छा ट्रेन करेंगे हम लोग इस ईट के मदद से। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे करना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा होने वाला है गाइस, मैं वो करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो पहला जो हमारा है वो करना है ऐसे। अब ये क्या है कि ये वेट बहुत ज़्यादा हल्का है, तो अपने अकॉर्डिंग अगर आपको ज़्यादा वजन लग रहा है तो आपको जितना रैप कोशिश करना कि 15 से 20 रैप्स निकाल सको। जैसे कि मेरे लिए ये वेट काफ़ी हल्का है, तो मैं 15 से 20 रैप्स निकालने की कोशिश करूँगा सो डैट कि हमारा जो मसल्स है वो काफ़ी अच्छा ट्रेन हो सके। तो आप अपने अकॉर्डिंग रैप्स निकाल लेना, ठीक है? और आपको कैसे करना है देखो, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सरसाइज। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको 15 से 20 रैप्स कम से कम तो करना ही करना है, ज़्यादा अगर आप करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि अगर आपको हल्का लग रहा है तो आप ज़्यादा वेट भी कर सकते हो, ठीक है? अब चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की ओर। तो दूसरा एक्सरसाइज आपको क्या करना है वो देखो, फिर से आपको वेट लेना है और इसको आगे की तरफ लेके आना, जैसे कि 1, फिर करना है इसको 2, फिर करना है इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से आपको करना है। दोनों हाथ से आपको करना है 20-20 रैप्स। अगर आप, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको हल्का लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं और भी ज़्यादा कर सकता हूँ तो आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? और ये हमारी हो गई दूसरी एक्सरसाइज। अब बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज। तो तीसरा एक्सरसाइज जो हमारा शोल्डर का है गाइस वो है ये, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये वेट ऐसे पकड़ के आपको हल्का सा नीचे झुक जाना है और नीचे झुक करके आपको ऐसे करना है 1, 2, 3, 4 ये हो गई हमारी तीसरी एक्सरसाइज। और तीसरी एक्सरसाइज में भी आप मैक्सिमम रैप्स निकाले, जितना रैप्स निकाल सकते हैं और जितना भी मैंने वर्कआउट बताया उसका आप कम से कम एटलीस्ट 4 सेट करें, ठीक है? जो मैंने तीनों एक्सरसाइज बताया, तीनों एक्सरसाइज का आप 4-4 सेट करें, आपका जो शोल्डर है वो कंप्लीट ट्रेन हो जाएगा एंड आपको 3 एक्सरसाइज से ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि आप घर पे वर्कआउट कर रहे हो तो घर पे वैसी बॉडी नहीं बन सकती है, लेकिन आप अपने मसल्स को ट्रेन कर सकते हो, ठीक है? आप बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते हो लेकिन आप हेल्दी रह सकते हो, अपने मसल्स को काफ़ी अच्छा आप बचा करके रख सकते हो। जो भी आपने मसल्स गेन किया है उसे आप घर पर बचा करके रख सकते हो, ठीक है? तो ये आपकी कंप्लीट शोल्डर की वर्कआउट हो गई और आप घर पर जरूर ट्राई करें एंड अपने शोल्डर को ट्रेन करें। आई होप कि आपको वीडियोज़ पसंद आई होगी गाइस। मिलते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। उसके लिए बस आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।